गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टेंथ के चैप्टर रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। यहाँ हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बताएंगे और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, इस चैप्टर का परिचय पढ़ेंगे, उनके बाद डेसिमल एक्सपेंशन जो रैशनल नंबर का है उनके विषय में पढ़ेंगे, फिर डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का पढ़ेंगे। यानी डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब दशमलव प्रसार होता है और ये दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का पढ़ेंगे। इनके बाद यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसे कहते हैं। फिर अंत में हम लोग प्रूफ करने अर्थात सिद्ध करने इरेशनल नंबर के विषय में जानेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग रियल नंबर का इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करते हैं। रियल नंबर सबसे पहले जानेंगे क्या होता है। तो रियल नंबर जितने भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या कहलाती है। रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं और अंग्रेजी में ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स अभी हम लोग रैशनल नंबर के विषय में समझेंगे। ये रैशनल नंबर में कौन कौन सी संख्या आती है, रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। रैशनल नंबर के अंदर भी कई संख्याएँ हैं, जैसे इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर मतलब हिंदी में पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या जो होता है, जैसे हम लोग 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फानाइट, -1, -2, -3 डॉट डॉट इन्फानाइट, ये सारे पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर नंबर है। ये रैशनल नंबर के अंतर्गत आ रहा, और रैशनल नंबर कहाँ है तो रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर रैशनल भी है और इरेशनल भी है। तो रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर में कौन कौन संख्याएं आती है, 0 कहाँ शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3, और इसका अंत इन्फानाइट के रूप में होता है, यानी इसका अंत नहीं होता। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या काउंटिंग नंबर होता है, जैसे 1, 2, 3, 4। और ये सबसे बड़ी अगर नेचुरल संख्या की बात करें तो इसका कोई अंत नहीं होता, इसलिए इसे हम इनफाइनाइट से सूचित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर को भी, अगर देखें तो नेचुरल नंबर में भी ओड नंबर मतलब विषम संख्या, इवन नंबर मतलब सम संख्या, ओड नंबर क्या होता है तो जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, यानी 2 से जिसमें 2 से हम डिवाइड जिसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7। और सम संख्या क्या होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इसी तरह एक्सेट्रा। अब हम लोग रैशनल नंबर का परिचय जानेंगे, रैशनल नंबर के विषय में पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यहाँ पी क्या है तो यहाँ पी है न्यूमेरेटर। पी क्या है, यहाँ पी न्यूमेरेटर है और क्यू क्या है डिनोमिनेटर है। न्यूमेरेटर का मतलब होता है अंश, न्यूमेरेटर का मतलब क्या होता है अंश होता है, न्यूमेरेटर का मतलब क्या होता है अंश होता है, यहाँ इसको हम अंश कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे हर के, नीचे वाले को क्या कहेंगे हर कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। अब इनके बाद हम लोग अंश और हर कह दिए, तो वैसी संख्या अगर हिंदी में देखें तो वैसी संख्या जो पी
ऑन क्यू के रूप में, पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाए, लेकिन क्यू के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू के बराबर अगर जीरो हो गया, अर्थात जैसे हम लिखते हैं 2/0 लिख दें, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। लेकिन अगर जीरो कह दें परिमेय संख्या है, तो जीरो है, क्योंकि इसको अपॉन में हम वन कर सकते हैं। अगर हम आपसे ये पूछे, अगर हम आपसे ये पूछे कि वन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको अपॉन में वन कर सक लिख सकते हैं। अगर हम यूँ कह दें कि 2 परिमेय संख्या है, तो है, क्योंकि इसके अपॉन में 1 लिख देंगे। अर्थात यह भी तो P अपॉन Q के रूप में लिखा चला गया। Q इक्वल नॉट जीरो लिखना है यहाँ P और Q। अभी ऐसा भी हो सकता है जैसे 8/16 लिख दिया, यानी 8/16 लिख दिया, तो इसको हम जब तक P अपॉन Q क्या होना चाहिए, को प्राइम नहीं हो जाएगा, तब तक इसे प्योर फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर नहीं कर सकते, यानी सही रूप परिमेय संख्या का सही रूप नहीं हो सकता। इसलिए इसको सही रूप करने के लिए इसको पहले इसको सॉर्ट करना होगा, और 2 इसको 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, है ना, 8 1 जा 8, यह भी कर सकते थे। यहाँ हम इसको सही रूप से करेंगे तो 8 1 जा 8, यहाँ 8 अपॉन 16 है, तो इसको हम 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब यह प्योर फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हो गया, प्योर फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हो गया। यानी वैसी संख्या जो P बाय Q के रूप में लिखी जाए, यानी ए नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q, बट Q इक्वल नॉट जीरो, और P एंड Q को प्राइम नंबर। को प्राइम का क्या मतलब होता है, यहाँ को प्राइम का मतलब देखिए, को प्राइम का मतलब होता है जैसे वैसी दो संख्याएँ जैसे 2, 3 है। अब इसको डिवाइड करने के लिए, जैसे 2, 3 को डिवाइड अगर करें तो केवल 1 से डिवाइड होना चाहिए। अभी हम 6 ले लेते हैं और एक 8 ले लेते हैं, इसे हम को प्राइम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसे 6 और 8 में 1 से तो लग जाता है, फिर 1 से लगने के बाद 2 से भी लग जाता है, 1 से भी लग जाता है, 2 से भी लग जाता है, और उसके बाद और कोई संख्या नहीं है जिससे इसमें लग जाएगा। तो ये को प्राइम नहीं, को कंपाउंड हो गया। अगर हम और एक दो संख्या की बात करें तो ये हो जाएगा, जैसे 4 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए, ये दोनों संख्या 1 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए को प्राइम नहीं हो सकता। आप कोई भी दो संख्या लीजिए, लेकिन क्या होना चाहिए, ओनली 1 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे हम 2, 3 यहाँ हमने लिखा है, 2, 3 हमने लिखा है यहाँ, 2, 3 यहाँ हमने लिखा है, 4, 5 लिखा है, 5, 6 लिखा है, ये दो संख्या केवल 1 से डिवाइड होगा और दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसे हम को प्राइम कहेंगे। और जब ये को प्राइम होगा, जैसे अब 2/3 इसको अगर हम लिख दें 2/3, या प्योर फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हो गया, यानी सही रूप है परिमेय संख्या का। ऐसे तो 8/16 मैंने जो लिखा था, यह भी परिमेय संख्या है, लेकिन इस प्योर फॉर्म नहीं है, इसलिए प्योर फॉर्म करने के लिए इसको छोटा करना होगा, और इसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी इसके बराबर 1/2 लिखना होगा, 1/2 लिखना होगा, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा, रियल नंबर के रूप में हो जाएगा। अब हम लोग प्राइम नंबर के विषय में जानते हैं, ये प्राइम नंबर क्या होता है। अभी तक तो आपने देखा को प्राइम तो समझ गया आपने, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होता है, तो जिसमें क्या होता है, जो केवल ओनली 1 से डिवाइड हो और सेल्फ डिवाइड हो, मतलब सेल्फ से डिविजिबल हो। जैसे 2 है, तो ये 2 नंबर, 2 क्या है, 2 में 1 से डिवाइड लग हो जाएगा और 2 से ही होगा। 3 देखिए, 3 1 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से ही डिवाइड होगा। उसके बाद देखिए 4 देखिए, लेकिन यहाँ 4 की अगर बात करें तो 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस संख्या को 4 को हम क्या कह सकते हैं,
प्राइम नंबर को आप प्राइम नंबर के विषय में बता रहे थे आपको। प्राइम नंबर जो होता है, जैसे अभी हम टू की बात करें तो ये किससे डिवाइड है, वन से, टू से डिवाइड है। फोर की लेकिन बात करें तो फोर वन से भी डिवाइड है, टू से भी डिवाइड है और फोर से भी डिवाइड है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। फाइव की बात करें तो ये प्राइम नंबर है, सिक्स की बात करें तो सिक्स नहीं हो सकता प्राइम नंबर, सेवन की बात करें सेवन प्राइम नंबर है क्योंकि वन से है और सेवन से ही डिवाइड हो सकता, एट नहीं हो सकता, एट नहीं हो सकता, नाइन भी नहीं हो सकता, टेन भी नहीं हो सकता, इलेवन हो सकता है। इसलिए वैसी संख्या जो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो उसी को प्राइम नंबर कहेंगे। अब हम आपको बताते हैं रैशनल नंबर के। ये देखिए रैशनल नंबर के आपको एग्जांपल है, जैसे जीरो है, टू है, माइनस फाइव भी ले सकते हैं, टू बाय थ्री लिख सकते हैं। जीरो को लिखने के लिए जीरो बाय वन कर दिए, टू को टू बाय वन कर दिए, माइनस फाइव अपन वन कर दिए, माइनस फाइव भी रैशनल नंबर हो गया। लेकिन वन बाय जीरो, टू बाय जीरो लिखा, जीरो इज नॉट डिफाइंड, इसलिए जीरो का कोई डिफाइंड नहीं होता, इसलिए यह क्या होगा, जीरो क्यू के रूप में नहीं लेते हैं। अब हम आपको जानते हैं, बताएंगे सम जो होता है, सम मीन्स जोड़, एडिशन उसी को कहते हैं, योगफल, सब्ट्रैक्शन घटाओ, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, यानी किसका, तो रैशनल नंबर का जो है हम लोग क्या सीखेंगे, अब मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। तो रैशनल और रैशनल को जब हम ऐड करते हैं, तो रैशनल हो जाता है, रैशनल को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी रैशनल होता है। जैसे देख लीजिए, रैशनल को जोड़ने के लिए जीरो और टू बाई थ्री को जोड़े, दोनों रैशनल नंबर है, जोड़ दिए, टू बाई थ्री हो गया। रैशनल को हम क्या करते हैं, परिमेय को जो घटाते हैं तो परिमेय ही बनता है, अपरिमेय नहीं बनता, परिमेय ही बनता है। जैसे रैशनल में ले लिए तीन बटा दो, पाँच बटा छः, तो घटा दिए तो एलसीएम लेकर के दो छः का एलसीएम छः हुआ, और एलसीएम लेकर के हमने देखा तो क्या हो गया, टू बाई थ्री, यानी रैशनल नंबर ही हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, मतलब हिंदी में दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का पढ़ेंगे। जैसे टू बाय थ्री है, दशमलव प्रसार यानी दशमलव में कन्वर्ट करना, बदलना, परिवर्तन करना। दशमलव प्रसार दो तरह से होता है, यानी डेसिमल एक्सपेंशन हम दो तरीके से निकालते हैं, एक तो भाग दे करके निकालते हैं और बिना भाग दिए भी निकालते हैं, बिना भाग दिए भी निकालते हैं और भाग विधि द्वारा भी निकालते हैं। अब हम आपको बताते हैं, ये जो भाग विधि द्वारा जो दशमलव निकालते हैं, दशमलव प्रसार निकालते हैं रैशनल नंबर का, वो भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, ये देखिए भाग विधि द्वारा जो हम लोग निकालते हैं, जैसे अभी देखिए टू बाय थ्री है, अब हम टू बाय थ्री है, अब इसमें थ्री से डिवाइड करेंगे, थ्री सिक्स जै एटीन, जीरो डेसिमल दिए, थ्री सिक्स जै एटीन हो गया, फिर टू आया, जीरो हुआ, थ्री सिक्स जै एटीन, फिर टू, इसी तरह ये चलता रहेगा। यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी भाग देने पर आपने क्या देखा, 0.6666 आता रहेगा, यानी 0.66 आता रहेगा, ये आता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम कहेंगे अशांत, ये शांत नहीं है, अशांत है। अगर शांत होता, जैसे ये पाँच बटा दो है, दो से पाँच में भागा दिए, दो दुना चार, पाँच में चार के एक, और फिर दशमलव के बदले जीरो आया, दो पंच दस हो गया, तो ये अब आगे नहीं जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया, शांत हो गया। यहाँ आप देखिए, यहाँ तीन से दो में भागा देने के बाद आपने क्या देखा, 0.66 आया, ये शांत, ये 66 चलता रहेगा, ये 66 इस तरह से चलता रहेगा, और इसके 66 चलने का कारण क्या हो गया, इसे शांत नहीं कहेंगे, अशांत कहेंगे, अशांत। और फिर आवर्ती इसलिए कहेंगे इसको, अशांत आवर्ती यानी रैकरिंग इसलिए कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग इसलिए कहेंगे, मतलब रैकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो रैकरिंग का मतलब अगर रिपीटिंग होता है तो देखिए सिक्स रिपीट हो रहा है, इसलिए हिंदी में अशांत आवर्ती कहते हैं इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ देखिए एक और डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं हम लोग, तीन बटा सात।
आप देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भाग देने के क्रम में क्या करते हैं, अधूरा भाग दे करके छोड़ देते हैं। अधूरा भाग दे करके छोड़ देते हैं तो इसी स्थिति में क्या होता है कि वह भाग अधूरा ही रह जाता है। जैसे 3/7 है और 7 से भागा देते हैं, 7 से भागा दिए, 7 चौका 28 हुआ, 0 पहले दशमलव दिए, 28 10 में से 8 गया 2 हो गया, तो 7 से 3 में भाग दे रहे थे तो 10 में से 4 गया 6, फिर 7 8 क्या हो जाएगा, 7 2 9 14 हो गया, 10 में से 4 गया 6। तो कभी कभी 0.42 ही तक ले करके छोड़ देते हैं हम लोग, और 2 से 3 अंक तक निकाल करके छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि चलो ये कटने वाला नहीं है इसलिए हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमें तब तक डिवाइड करना चाहिए जब तक रिपीट ना हो जाए, तब तक भाग देते रहना चाहिए। और हमने देखा कि भाग दे करके भाग दिया तो 4 2 है ना, 4 2 4 2 8 5 7 1 एक आ गया, फिर से 4 का रिपीटिंग आ रहा है। देखिए 4 का रिपीटिंग आ रहा है, इस 4 के रिपीटिंग के कारण हम अब भाग देना छोड़ देंगे। और देखिए 4 फिर से आएगा, 2 आएगा, फिर आएगा 4 2, उसके बाद क्या आएगा 8 5 7 1 4 आएगा, इसलिए हम 0.42871 आएगा, इसलिए इसको हम ऊपर में से रैकरिंग कर दें, यानी आवर्ती लगा दिए। क्या कर दिए, आवर्ती लगा दिए, यानी उसको दूसरे भाषा में बार भी कहते हैं, यानी रैकरिंग इसी को कहते हैं, समझ में आया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। आपने ये देखा कि किस प्रकार से भाग दे करके हम लोग इसको चेंज करते हैं। अब हम लोग विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड, अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे डिवीजन मेथड, जो कैसे हम लोग भाग दे करके दशमलव प्रसार निकालते हैं, यानी डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से दशमलव प्रसार, यानी दशमलव फाइंड करने के लिए बिना भाग दिए कैसे प्राप्त करेंगे। इनके लिए कुछ शर्त है, इनके लिए कुछ शर्त हैं। शर्त क्या है, पहला शर्त ये है कि यह मेथड सभी रैशनल नंबर पर अप्लाई नहीं होगा। पहला शर्त आपने देखा कि यह मेथड सभी रैशनल नंबर पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद दूसरा मेथड है, यह मेथड जो है बिना भाग दिए वाला, बिना भाग लंबी विभाजन का जो भाग दशमलव प्रसार निकालते हैं, यह सब पर अप्लाई नहीं होता, सभी रैशनल नंबर यानी सभी परिमेय संख्या पर लागू नहीं होगा। यह मेथड यूज केवल वैसे रैशनल नंबर के लिए किया जाता है जिसके डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर बोले तो हर का प्राइम फैक्टराइजेशन केवल या तो 2 हो, केवल या तो 5 हो, या 2 5 दोनों हो, अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन उसके हर का इस प्रकार से होगा, तभी आप जो है उसका बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड के इसका क्या कर सकते हैं, आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे 7/80 है, अब 80 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7/80 का क्या करेंगे, 80 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ कर रहे हैं, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 40 में तो 20 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 10 होगा, फिर 2 से 5 होगा। तो आपने देखा 2 2 2 2, यानी कितने टाइम्स आ गए, 4 बार आ गया, 1 2 3 4 बार हमने लिख लिया, यहाँ 7 ऊपर में लिख लिया, 80 के लिए 2 4 बार लिख लिया, फिर 1 5 आया, 5 लिख लिए। तो आप यहाँ देखिए 4 2 पावर कितना है, 2 कितना है 4, तो इसको हम यहाँ 2 पावर 4 लिख लिए, और यहाँ क्या हम कर दिए, 1 5 है तो 5 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या किया गया है, यहाँ जो किया गया आप देखिए 2 पावर 4 है तो 5 पावर यहाँ 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो यहाँ 5 पावर यहाँ भी हमने क्या कर दिया है, यहाँ भी 5 पावर हमने 4 कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का बनाना है, तो नीचे में हमें क्या करना होगा, 10 के फॉर्म में लाना, लाने के लिए तो पावर को बराबर करना होगा, पावर को बराबर करने के लिए हम लोग हमने क्या किया, 2 पावर 4 था तो 5 पावर भी 4 दिए, तो कितने 5 पावर 5 कितने 5 को हमने बढ़ाया, तो 5 3 5 को बढ़ाया, यानी 3 5 एक्स्ट्रा हमने इसमें ऐड किया, नीचे वाले में कितने 5 को ऐड किया एक्स्ट्रा, 3 5 को एक्स्ट्रा ऐड किया, और 3 5 अगर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है तो 3 ऊपर में भी कर दिए, अब दोनों ऊपर नीचे क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए 7 × 125, यानी 7 5 को 3 बार गुना करिए तो 125 हो जाएगा, और 2 5 को गुना किए 10 10 पावर क्या हो गया, 4 हो गया, 125 और 7 को जब हम गुना करेंगे तो 875 हो जाता है, और 875 में हम क्या करेंगे, 875 में जब हम क्या करेंगे, 10 पावर 4 मतलब 1 पावर कितना हो जाएगा, 10 पावर 4 यहाँ 1 0 हट गया है, यहाँ जो है आप 1 0 और
यहाँ एक जीरो और लगेगा। अब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी एक जीरो, यहाँ आपको यहाँ आप यहाँ एक जीरो और लगेगा और डिवाइड जब करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0.0 हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ आपको यहाँ जीरो हो जाएगा, एक जीरो यहाँ होगा, यानी 0.0 यहाँ आपको इस तरह से हो जाएगा 0.0875 हो जाएगा, 75 होगा इस तरह से दशमलव में, यहाँ मिस्टेक हो गया, ये आपका मिस्टेक है, ठीक है। तो फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, अब इस तरह से जिस तरह हमने निकाला है, जैसे अब 3/8 है यानी 3/8 है, तो 8 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, ये आपको करके दिखाना है, यानी आपको करके प्रैक्टिस करना, अगर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप मुझसे प्रॉब्लम डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जैसे 15/40 है, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया गया, जैसे 2/3 है, यहाँ 5 2/3 है और यहाँ 5/2 है, तो यहाँ भी आप क्या करिएगा, 5/3 कर दीजिएगा, ताकि दोनों 5/3 करने का मतलब यहाँ यह होगा, यहाँ 5/3 करिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि 1/5 आपने बढ़ाया, तो 1/5 ऊपर में आकर के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1/5 यहाँ आकर के क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इनसे, यहाँ 1/5 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1/5 जो आपने नीचे में बढ़ाया था उससे ये यहाँ जो 3 होगा पावर में, तो ये इक्वल हो जाएगा दोनों का पावर, और फिर मल्टीप्लाई करके जैसे बनाए थे उसको देख लीजिएगा एक बार, और आप फिर उसको बना सकते हैं आराम से। तो आपने डेसिमल एक्सपेंशन में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं आपको। अब यहाँ आप देखिए 17/56 है, और 56 का हमने क्या कर दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन 56 का किया, तो 2 से 28 हो गया, 2 से 14 हुआ, फिर 2 से 7 हो गया, यानी कितने 2 आए, 1, 2, 3 आए, 3 आए, तो यहाँ 2 दी पावर कितना दिए हम, 3 दिए, 2 दी पावर 3 और 1 7 आया, तो इसका मतलब यह, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया 5/56 का, तो आपने देखा कि इसके साथ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ गया, 7 आ गया, और यदि 7 आ गया है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन केवल 2 होना चाहिए, मैंने बताया था, या केवल 5 होना चाहिए या 2, 5 दोनों होना चाहिए, इसके अलावा और कोई संख्या हो गया तो उसका दशमलव प्रसार नहीं होगा, इसलिए लिखा मैंने इसके डिनोमिनेटर यानी हर का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड 2 के अलावे 7 भी है, इसलिए क्या होगा इनका प्राइम, इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, यानी दशमलव प्रसार इसका नहीं होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब तक आपने पढ़ा दशमलव रेशनल नंबर से दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड करना, अब आप पढ़ेंगे दशमलव में दी हुई रहेगी, यानी डेसिमल में आपको दिया हुआ रहेगा और आपको फाइंड करना क्या है, P/Q के फॉर्म में आपको फाइंड करना है, यानी P/Q के रूप में लिखना है, जैसे 0.875 है, 0.875 है, यहाँ देखिए 0.6 है, 1.42 पर रैकरिंग दिया गया है, और 1.543 पर यहाँ रैकरिंग दिया गया है, और नीचे में देखिए यहाँ आपको दिया गया है, 1.24 पर रैकरिंग दिया गया है, आप यहाँ देखिए। अब हम इसका निकालने, नॉर्मली आप लोग इतना जानते ही होंगे, 0.875 को यदि डेसिमल को हटा देते हैं, डेसिमल हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो आप देखें कि डेसिमल के आफ्टर कितना है डिजिट है, डेसिमल के बाद कितना, 1, 2, 3 है, तो 1 पर 3 जीरो दिए, और इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे 7/8, या एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर 0.6 है तो आप क्या करिएगा, यानी 6 पर रैकरिंग है तो क्या करिएगा, तब हम क्या करेंगे, पहले जितना ये दिया गया है ये आप पहले पूरा लिखिए, 0.6 बिना पॉइंट का आप संख्या लिखें, जैसे जी बिना पॉइंट का अगर हम लिखें तो क्या लिख दिए, 0.6 क्या लिख दिया हमने, 0.6 लिख दिया, और उसमें माइनस क्या करना है, जो पहले पूरी संख्या लिख लिया हमने, उसके बाद माइनस क्या करना, तो डेसिमल के इस साइड जो संख्या है जीरो, इनको माइनस कर दें, फिर हमने क्या कर दिया, डेसिमल के इस साइड जो संख्या है उसको माइनस कर दिया, अपॉन में क्या कर दिया, 10 दशमलव के इधर देखिए कितने संख्या है,
केवल एक संख्या यानी सिक्स पर जो रेकरिंग है वही है। दशमलव की इधर जितनी भी संख्या है, जितने भी डिजिट है, उसको 10 के पावर में डाल दिए, क्योंकि हमको डेसिमल निकालना है, तो 10 के पावर में दे दिए। फिर माइनस क्या करेंगे, जिस पर रेकरिंग, इसमें देखिए रेकरिंग जिस पर नहीं है, रेकरिंग ऐसा कोई भी संख्या है 6 के पीछे में जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो ऐसा कोई भी नहीं है, इसलिए हमने 0 ले लिया। तो 6 में से 0 गया तो 6 हुआ, 10 पर पावर 1 का मतलब 10 हुआ, 10 पर पावर 0 का मतलब 1 हुआ, यानी 6/10 में से 1 गया, क्या हो गया, 9, यानी 6/9 हो गया। और 2 इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2/3 होगा। फिर 3 से 2 में डिवाइड करिए तो देखिए यही संख्या आपको आ जाएगा, यही संख्या आ जाता है। अब आप हमको एक एक और करके सिखाते हैं, जैसे 1.422 पर रेकरिंग है, तो सबसे पहले टोटल संख्या मैंने बोला था लिखने के लिए, टोटल संख्या लिखिए, तो टोटल संख्या आपने लिखा तो कितना हो गया, 142 हो गया, यानी 142 हो गया। और रेकरिंग केवल 2 पर लगा है, 1.4 पर लगा हुआ नहीं है, तो 1.4 को क्या कर दिए, यानी 14 को माइनस कर दिए, 142 में से 14 को माइनस कर दिए। और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या किया हमने, तो टोटल डेसिमल के बाद कितने संख्या है, डेसिमल के बाद देखिए 2 संख्या है, 4, 2, तो यानी 2 संख्या है, तो इसलिए 10^2 कर दिए। और माइनस क्या कर दिए, आपने देखा डेसिमल के बाद 2 संख्या जिस पर 1 पर नहीं लगा है, और जिस पर नहीं लगा है वही पावर, उतनी संख्या का पावर 1 कर दिए, यानी 10^2 माइनस 10^1 क्या हो गया, 1 हो गया। यानी 142 में से जब क्या करते हैं, 14 को माइनस करते हैं, तो कितना हो जाता है, 128 हो जाता है। और 10^2 का मतलब 100, 10^1 का मतलब 10, यानी 128 बट्टा क्या हो जाएगा, 128 बट्टा हो जाएगा 90। इसको जब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 64/45 हो जाएगा, और ये रेशनल नंबर में लिखा चला गया। अब आगे का वीडियो आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।